corporate accountancy become part second. आज हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकाले जाते हैं, करंट अकाउंट थर्ड, क्विक एसेट्स नंबर फोर, करंट लायबिलिटीज नंबर फाइव, वर्किंग कैपिटल नंबर सिक्स, नेट वर्थ नंबर सेवन, फिक्स्ड लायबिलिटीज एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तक विद्यार्थियों जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पुस्तक में पहले दो चैप्टर्स हैं उनके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से वित्तीय प्रबंध क्या होता है, वित्तीय विवरण क्या होता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, विश्लेषण क्या है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट में आप लोगों को समझाया गया है। अब हम आज एक प्रश्न, किस प्रकार से जो थ्योरी में हमने पढ़ा है और उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, हमको निकालना है ये आठ चीजें। वी हैव टू फाइंड आउट फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकाले जाते हैं, करंट अकाउंट कैसे निकाला जाता है, क्विक एसेट्स कैसे निकाला जाता है, करंट लायबिलिटीज कैसे निकाला जाता है, वर्किंग कैपिटल, नेट वर्थ, फिक्स्ड लायबिलिटीज और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे पास एक डाटा है, डाटा क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है जिसके आधार पर हमको ये आठ चीजें निकालने पड़ रहे हैं। हमारे पास कैश जो है 48,600 रुपया है, लैंड एंड बिल्डिंग 8,00,000 रुपया है, सिक्योरिटीज 62,000, क्रेडिटर्स CRS शॉर्ट फॉर्म है 405,750। हमारे पास स्टॉक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है निकाल 272,800, debtors DRS शॉर्ट फॉर्म में 523,000,
P&M, plant and machinery, 544-000. Debentures, built. डिबेंचर्स हमारे पास है 250,000, बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट फॉर्म में बीआर वो हमारे पास है 22,600, बैंक ओवरड्राफ्ट वो हमारे पास है 52,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इसके साथ ही है एक्सपेंसेस 50,000, शेयर कैपिटल 10,00,000, ऊपर मैं लिख रहा हूं 10,00,000, दस लाख ये जो शेयर्स हैं ये कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ रुपीज कैन ईच, P&L अकाउंट बैलेंस, E&L अकाउंट बैलेंस कितना है 21,000, मैं रिपीट कर रहा हूं, P&L अकाउंट की बैलेंस जो है वो 21,700 है। डिविडेंड का 86,250, 18-19 मान लीजिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000, एडवांस टैक्स 1,00,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 264,000, बिल्स पेबल 68,000, सेल्स 21,82,400, 218-2400, और उसके बाद नेट प्रॉफिट एनपी 18-19, थ्री 27
830, ये बिफोर टैक्सेशन डी टी, बिफोर टैक्सेशन एंड डिविडेंड। अब जो ये इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, ये निकालनी है आपको 18-19। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको क्या ये इंफॉर्मेशन है हमारे कंपनी का, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, सिक्योरिटीज, क्रेडिटर्स, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, डिबेंचर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सपेंसेस, इक्विटी शेयर कैपिटल। जनरल अकाउंट्स बैलेंस जो बचती है, प्रपोज इक्विटी डिविडेंड फॉर द ईयर 2018-19 86,250, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000, एडवांस टैक्स 1,00,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 264,000, बिल्स पेबल 68,000, नेट सेल 2182400, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड डिविडेंड इज 327,830। आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है फिक्स्ड एसेट्स प्रोफॉर्मा, करंट अकाउंट क्विक एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, नेट वर्थ, फिक्स्ड लायबिलिटीज एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन है आपका। अब हाउ टू प्रोसीड फॉर इट, तो हम इसका बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे और उस बैलेंस शीट के आधार पर फिक्स्ड एसेट्स और शेयर होल्डर्स फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिक्स्ड एसेट्स टोटल कितने बनते हैं, करंट एसेट्स टोटल कितने बनते हैं, क्विक एसेट्स जो करंट एसेट्स और स्टॉक प्लस एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन में आ जाता है, उसको कैसे लिया जाएगा, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हम निकाल देंगे, वर्किंग कैपिटल का अकाउंट निकाल देंगे, नेट वर्थ निकाल देंगे, फिक्स्ड लायबिलिटीज निकाल देंगे और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। हमको जो कैलकुलेट करना था वो था फिक्स्ड एसेट्स,
फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके आधार पर ये रुपीस, यहां पर भी रुपीस लिखेंगे, ये टोटल रुपीस, टोटल। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है हमको उसमें आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है। स्टूडेंट्स, आपने 11th में भी 12th में भी पढ़ा होगा कि फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन में जो फिक्स्ड एसेट्स है वो दो प्रकार के हैं, एक इस कंपनी के प्रोडक्ट लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 8 लाख है और इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी बोला 544,000 तो 544,000 और 8 लाख हो गया 13,44,000। जब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं वो बनता है 1,344,000। ये क्या निकला हमारा, हमको निकालना था फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के पास कितने हैं एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो हमने निकाल दिया कि इस कंपनी में जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स इसमें या तो लैंड एंड बिल्डिंग था या प्लांट एंड मशीनरी था, वो 8 लाख और 544,000 था और वो 13,44,000 हो गया। अब अगर हम इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट करंट एसेट निकालना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो हमारे पास 20,000 है, अब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल हमको करंट एसेट्स का पता होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल जिसका और भी बताते हैं नेट करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स में क्या क्या है हमारे, करंट एकाउंट में आता है स्टॉक, बच्चों ये तो आपको पता होगा उसका वैल्यू कितना है 272,800। करंट एसेट्स में दस एंटी डेटर्स, फाइव 2,300। करंट एसेट्स में आता है बिल्स रिसीवेबल बीआर 22,600, 22,600, सिक्योरिटीज 62,000,
कैश एट बैंक, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स कितना है? 1,00,000। अगर मैं इनका जोड़ दूं वो आ रहा है 1,10,000। उसमें से लेस करंट लायबिलिटीज जो कि हमको निकालना है, वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी कौन कौन से होते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बावन हजार, क्रेडिटर्स 405,750, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है वो लेस हो जाएगा करंट एसेट्स में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो 68,000 है प्रपोज्ड डिविडेंड ये लेस हो जाएगा करंट एसेट में, वो है 264,000 और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 10,29,000 माइनस 68,000 माइनस 2,64,000 ये इसका आ रहा है 8,76,000 और इन दोनों का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका वैल्यू है 86,250। टोटल कैपिटल एम्प्लॉय 86,250। जिसको हम कहते हैं प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड। अब जब डिफरेंस निकाल देंगे तो 10,29,000 माइनस 7,86,000 ये आता है 153
0 0 0. Shareholders, friends, इक्विटी शेयर हमारे पास है, इक्विटी शेयर हमारे पास 10 लाख है, जनरल रिजर्व हमारे पास है, एक लाख पीएनएल अकाउंट बैलेंस है, अगर इसका जोड़ देंगे 10, 1 लाख और 2 लाख 17 हजार, ये है 13 लाख 17 हजार 0 0 0। लेस इसमें हम करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50 हजार, तो यहां पर आएगा ये 12 लाख 67 हजार नेट। लेस इसमें हम करेंगे डिवेंचर्स, वो है 2 लाख 50 हजार माइनस 2 लाख 50 हजार, तो ये जो बैलेंस बचेगी ये बचेगी 12 लाख 67 हजार को 2 लाख 50 हजार ऐड करके टोटल बैलेंस 15 17 0 0 0। तो टोटल तो आया हमारा 15 17 0 0 0। ये अमाउंट जो है ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमने क्या निकाला टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन के आधार पर अगर आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स 13 लाख 44 हजार को हमने निकाल दिया, उसके बाद करंट एसेट्स का वैल्यू हमने 10 लाख 29 हजार हमने निकाल दिया, उसके बाद अगर हम करंट लायबिलिटी वो हमारी थी 8760000, वर्किंग कैपिटल 153000, 12 लाख 67 हजार जो है वो आपका है नेट वर्थ कंपनी का, फिक्स्ड लायबिलिटीज आपका जो बनता है 2,50,000, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड वो आपका 1,517,000, वो 12,67,000 को हम लास्ट में जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं उनको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो 15,17,000 है, वही हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, दैट इज आवर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों अब आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि जो आपको घर पर मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पर वापस भेजना है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है,
वित्तीय विवरण का क्या आश्रय है? What is meant by the term financial statement? दूसरा, वित्तीय विवरणों का अंग क्या क्या है? What are the components of financial statements? चिट्ठा किससे कहते हैं? What is balance sheet? आय विवरण की परिभाषा दीजिए। Define income statements। ये आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9351329052 पर भेज सकते हैं। मैं इसको देखकर आपके अपने कमेंट्स के साथ आपको वापस रिवर्ट बैक कर दूंगा। थैंक यू सो मच।